बिलासपुर में तीन मामले पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया है। नैना देवी क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर कैंप हाउस में चंगर क्षेत्र के एक युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से शिवा आयुर्वेदिक कॉलेज शिफ्ट किया गया। ये युवक बीते दिनों दिल्ली से आया था, जबकि गुजरात से आई महिला और उसके बेटे को प्रशासन ने पहले ही तबीयत खराब होने पर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर शिफ्ट कर दिया था। गत रात्रि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन दोनों को शिवा आयुर्वेदिक कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। बिलासपुर में तीन मामले पॉजिटिव आए हैं, जो स्वारघाट और नैना देवी में क्वारंटाइन किए गए थे। स्वारघाट क्वारंटाइन सेंटर में जो पहले जिला हमीरपुर भोरंज का व्यक्ति क्वारंटाइन पाया गया था, उसकी पत्नी और बेटा भी पॉजिटिव पाया है, जो गुजरात से एक टेम्पू ट्रेवलर में 12 लोगों के साथ आए थे। तीसरा मामला व्यक्ति दिल्ली से आया था और दबट क्षेत्र का है, जो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता है। जिला बिलासपुर का खाता भी अब खुल गया है। पहले बिलासपुर में जितने भी लोग पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें जिला का कोई भी व्यक्ति नहीं था। एकाएक दबट क्षेत्र का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आने से बिलासपुर जिला में भी संबंधित व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से क्षेत्र में हड़कंप है। आप जानते हैं कि कल रात देर रात बल्कि हमें पता चला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तीन केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो तीन जो नए केस आए हैं, इनमें से दो तो एक पहले जो हमारा केस आया था उसके फैमिली मेंबर्स हैं, और एक वाइफ है उसकी और एक छोटा बच्चा है। ये लोग हमीरपुर को बिलोंग करते हैं और ये गुजरात से आ रहे थे, और रातों रात हमने इनको जब पता चला उसके थोड़ी देर बाद इनको शिवा आयुर्वेदिक कॉलेज में, एक जो हमारा डेडिकेटेड केयर कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इनको वहाँ रखा जाएगा, 10 दिन के बाद इनका फिर से सैंपल लिया जाएगा। अगर सैंपल नेगेटिव आता है तो फिर इनको छुट्टी की जाएगी, अदरवाइज दोबारा से ट्रीटमेंट इनका चलता रहेगा। और जो तीसरा केस है वो दिल्ली से लड़का आ रहा था और उसको बाउंड्री पे ही, हिमाचल की बाउंड्री पे उसको एग्जामिन किया गया और क्वारंटाइन सेंटर श्री नैना देवी जी में भेजा गया, और उसका भी टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसका सैंपल हमने 16 तारीख को लिया था, लेकिन उसका दो दिन रिजल्ट लेट हुआ, दो बार रीरन में डाला तो उसके बाद उसका पॉजिटिव आया है। और रात को उसको भी हमने यहीं अपने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में शिव आयुर्वेदिक कॉलेज बिलासपुर में ही शिफ्ट किया है। लेकिन वो लड़के, ये तीनों जो केसेज है, ये बाउंड्री से ही क्वारंटाइन सेंटर आए, क्वारंटाइन सेंटर से ये हमने ये शिवा आयुर्वेदिक कॉलेज जो के कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे इनको शिफ्ट किया। जहाँ तक डरने की जो बात आपने बोली, हाँ, ये लोगों के से ये तो आग्रह रहेगा कि लोग डरे मत, इस बीमारी को समझें, इससे बचना कैसे है उसके तरीके समझें और अपना बचाव करें। डरने से कुछ नहीं होगा, अपना बचाव खुद करने से ही कुछ होगा। इनमें चीज़ें वही हैं कि मास्क लगा के रखें, हैंड वॉश बारी बारी, जब भी आप कहीं बाहर चीज़ को टच करते हो तो उसको हैंड वॉश करते रहें, लोगों से फिजिकल डिस्टेंस कम से कम।